और इधर बागमारा में एक युवक का 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देखिए किस तरह से मामला सामने आया। 4 साल की मासूम के साथ रेप का मामला है। युवक की तलाश चल रही थी, युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पुलिस ने जेल भी भेज दिया। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं चतरा की, जहां के कुंदा गांव में आदिम जनजाति के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। यहां पर उन्होंने श्रमदान कर एक विशाल सड़क का निर्माण कर दिया है। वहीं ग्रामीणों के इस जज्बे को देखकर वहां के अधिकारी से लेकर लोग भी हैरान है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। श्रमदान कर आदिम जनजाति के लोगों ने बनाई सड़क। गांव वाले वर्षों से कर रहे थे सड़क बनाने की मांग। उम्मीद के किरण नहीं दिखाई दी तो श्रमदान कर खुद ही बना डाली सड़क। सड़क नहीं होने के कारण काल की गाल में समा रहे थे लोग। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं, खेती बाड़ी और मजदूरी कर पालते हैं परिवार। चतरा की कुंदा गांव के लोग पिछले कई दशक से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी है। सड़क नहीं होने के कारण कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण जन प्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक के पास गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई थी। तो समझिए सर, हल समझिए कैसा क्या है कि सर आप देखिए, नजर से सब जगह गए सर, ऐसा सुनवाई कोई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अपने आप सब घर के गांव के जितने हैं सब मिले हुए हैं सर से, जितने सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे लगे हुए हैं, खेती बाड़ी के समय है सर। तो बताइए हम लोग जल्दी में सुनवाई कीजिए सर। बताने लगे कि मैंने रोड नहीं अच्छा है, रोड हम लोग को बहुत जरूरी है। हम यही कॉल किए कि मतलब रोड दिक्कत है तो रोड बनेगी। गया के एक दशरथ मांझी थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर 22 साल में एक पहाड़ को काटकर विशालकाय सड़क का निर्माण किया था। इस भावना से प्रेरित होकर कुंदा जनजाति के लोगों ने श्रम दान कर एक सड़क का निर्माण कर दिया। गांव वालों के इस जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। और उसको तुरंत SCA के तहत करवाया, उसका साइड ये भी हो गया है और DC सर के द्वारा उस रोड को प्राथमिकता भी दी गई है और पास भी हो गया है। इसी तरह इसको भी हम SCA के तहत तुरंत भेजेंगे और सर से आग्रह करेंगे कि इसका मतलब हम लोग जल्दी से इस रोड को। सड़क बनने से आदिम जनजाति के लोग बहुत खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हम लोग डोल के सहारे मरीजों को शहर लेकर जाते थे, लेकिन अब सड़क बन जाने से आसानी से मरीज को शहर तक ले जा सकेंगे। सड़क बनने से अब इस गांव का चहुमुखी विकास होगा, लेकिन इस विकास के असली हकदार जन प्रतिनिधि या कोई अधिकारी नहीं, बल्कि यहाँ के ग्रामीण खुद है। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट।